नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट, तीन की गई जान, 82 लोग कोरोना संक्रमित, जानिए पूरी डिटेल। हिमाचल में कोरोना महामारी से फिर से 3 लोगों की मौत हो गई, यानी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 82 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस तरह से 97 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक प्रदेश में 2,26,941 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,22,287 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 3,828 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में प्रदेश में 809 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। जेसीसी बैठक में एसीएम की घोषणाएं, अनुबंध अवधि अब 2 साल, 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर नया वेतनमान। चुनावी साल से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। शनिवार को संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित नए वेतनमान की घोषणा कर दी। इसका लाभ राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि भी 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की गई। अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल बाद नियमितीकरण का लाभ 30 सितंबर 2020 को मिलेगा। राज्य सरकार साल में ये लाभ 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को देती है। कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे, इससे 19,000 कर्मचारियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही नए भर्ती होने वालों को भी लाभ मिलेगा। नए वेतनमान से सबसे कम वेतन वाले कर्मचारियों जैसे नवनियुक्त लिपिक को 3 से 3,500 रुपए और वरिष्ठ एचएएस अधिकारी डॉक्टर आदि को 15 से 20,000 रुपए तक का मासिक फायदा होगा। पेंशनर्स को भी 1 से 10,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी इसके लिए सरकारी स्तर पर ठीक से गणना की जा रही है। पंजाब में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जयराम ठाकुर ने यह ऐलान शनिवार को पीटर हाफ शिमला में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जेसीसी बैठक में लिया। सीएम जयराम ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान देने और जनवरी 2022 के संशोधित वेतनमान को फरवरी से देने की घोषणा की। उन्होंने कर्मचारियों के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए की घोषणाएं की। नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर व्यय कर रही है, जो 6वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50% तक बढ़ जाएगा। नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में किया कक्षाओं का बहिष्कार। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र बनाने के फैसले के खिलाफ शनिवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में कक्षाओं का बहिष्कार किया। फैसले को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशिक्षकों ने सरकार से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की मांग की है। अब शिंकुला दर्रे पर टनल का निर्माण प्राथमिकता। 2 दिनों के दौरे पर कुल्लू पहुंचे केंद्रीय परिवहन और सड़क राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि अटल टनल रोहतांग बनने के बाद शिंकुला दर्रे पर टनल का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। बारालाचा दर्रे सहित तांगल गला और लांचू गला में भी टनलों का निर्माण कर देश की सरहदों तक सेना की पहुंच को और सुगम बनाया जाएगा। शनिवार को जनरल वीके सिंह दोपहर बाद अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पहुंचे। स्कूल डाउन, हड़ताल करेंगे पीसमील वर्कर, मांगे पूरी न होने पर लिया फैसला। अनुबंध की मांग को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम के पीसमील कर्मचारियों ने मंडी में गेट मीटिंग की। इस दौरान निगम प्रबंधन और सरकार से नाराजगी जताते हुए सभी पीसमील वर्कर्स ने निर्णय लिया कि वो 29 नवंबर से पूरे प्रदेश में टूल डाउन हड़ताल पर जाएंगे। इन कर्मचारियों का कहना है कि परिवहन मंत्री ने इन कर्मचारियों को 24 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया था और 2 साल के भीतर अनुबंध पर लाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन वापस ले लिया था, मगर अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व सरकार के 410 पीस मील कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया गया है और वो कर्मचारी इसी सरकार में नियमित भी हुए हैं, लेकिन निगम में बाकी बचे 933 पीस मील कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया जा रहा। जेबीटी शिक्षक मामले की जांच शुरू, कई अधिकारी भी नपेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी के पदों पर अपात्र लोगों की नियुक्तियों के मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई। अब उन अधिकारियों पर कार्यवाही होना निश्चित है जो जेबीटी शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया की स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल रहे। सवाल उठ रहे हैं कि जब विभाग ने जेबीटी पदों के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम बनाए तो आंखों पर पट्टी बांधकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कैसे अपात्र लोगों की जेबीटी शिक्षक के पदों पर नियुक्तियां दे दी। पंजाब के एक टीवी चैनल के कार्यालय पर आयकर का छापा।
शिमला में स्थित पंजाब के एक दिग्गज नेता के टीवी चैनल के कार्यालय पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। शुक्रवार सुबह शुरू हुए छापे की कार्यवाही देर शाम तक जारी रही। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कार्यालय से न तो बाहर जाने दिया गया और न ही किसी के अंदर आने की अनुमति मिली। वेश बदलकर बसों में सफर कर रहे संदीप कंडक्टर को दी शाबाशी। सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेवार हैं। एचआरटीसी की बसों में दशकों से लिखा ये निर्देशात्मक वाक्य अब इसके विपरीत चालक और परिचालकों के लिए नसीहत बन सकता है, क्योंकि न जाने कब एमडी बस में सवार हों और किसी तरह की कोताही के लिए चालक और परिचालक जिम्मेदार हो जाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एमडी संदीप कुमार इन दिनों बसों का इसी तरह औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बीते रोज प्रबंध निदेशक संदीप कुमार कालका शिमला फोर लेन पर सोलन जिले के दत्यार में सवारी बनकर बस में चढ़ गए। एचपीएसएससी ने इन तीन पोस्ट कोड का परिणाम किया घोषित, जाने कितने हुए सफल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को तीन पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित कर दिया। आयोग ने क्लर्क पोस्ट कोड 887, कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इसके अलावा आयोग ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 881 का फाइनल परिणाम भी घोषित कर दिया। आयोग ने शनिवार को क्लर्क पोस्ट कोड 887 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। जनता तक बीजेपी सरकार की नाकामियां पहुंचाने को कांग्रेस ने शुरू की पदयात्रा। हिमाचल में बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पदयात्रा शुरू की। ये पदयात्रा अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस की पदयात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत करवाने के लिए शुरू की गई। नहर में तैरता मिला व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर बग्गी मार्ग पर बीबीएमबी नहर में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह बीबीएमबी नहर के पास स्थानीय लोग अपना काम कर रहे थे। इस दौरान नहर में दयारगी के पास एक व्यक्ति का तैरता हुआ शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला और कब्जे में ले लिया। करोड़ों के गबन मामले में दो महिलाओं सहित तीन की गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की एक सहकारी सभा के करोड़ों रुपए के गबन के मामले में करीब 4 साल बाद तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। वही गबन मामले में फंसे सभा सचिव ने पहले ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। गौरतलब है कि साल 2016 में जिला हमीरपुर की एक सहकारी सभा के करोड़ों रुपए के गबन का मामला पुलिस में दर्ज हुआ था। मामले में सहकारी सभा ने एक व्यक्ति को उसके मृत बुजुर्ग के नाम ही करोड़ों रुपए का लोन दे दिया था। वहीं सोसाइटी में जमा करवाई गई रकम लोगों न मिलने पर लोग भड़क गए। सभा से लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही थी। मामला फैल जाने के बाद सभा का सचिव कई महीनों तक गायब हो गया था और फिर उसने उसके बाद फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पिछले 4 साल से जांच चल रही थी। इस जांच के चलते पुलिस ने अब 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी मामले में जांच जारी है। बता दें कि 100 से अधिक लोगों को पैसा सहकारी सभा में फंसा हुआ है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।